ब्रेक के बाद का स्वागत है। राष्ट्रीय स्तरीय सुजानपुर होली मेले का विधिवत मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना करके आगाज किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में शिरकत कर मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले अनुराग ठाकुर का सुजानपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और शानदार जलेब के माध्यम से पगड़ी रस्म को अदा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक हमीरपुर नरेंद्र ठाकुर, बोर्ड विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रहे। राष्ट्र स्तर सुजानपुर होली मेले का विधिवत मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना करके आगाज किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में शिरकत कर मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले अनुराग ठाकुर का सुजानपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और शानदार जलेब के माध्यम से पगड़ी रस्म को अदा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक हमीरपुर नरेंद्र ठाकुर, बोर्ड विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रही। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुरली मनोहर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और लाल गुलाल लगाकर राष्ट्रीय होली मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने ऐतिहासिक चौगान में लगी प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय होली मेले की प्रदेश को देशवासियों को बधाई दी और कहा कि इस तरह के मेले लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय होली मेले की सभी को बधाई दी। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से समस्त सुजानपुर हमीरपुर वासियों की ओर से सारे हिमाचल प्रदेश और देश के लोगों को होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का यह त्यौहार हम सबके जीवन में खुशियां लाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब इकट्ठे मिलकर अपने जाति धर्म संप्रदाय को भूलकर भाई भाई बनकर काम करें और भारत की जो ताकत है अनेकता में एकता, उसमें विश्वास रखकर और भगवान कृष्ण का जो प्यार का संदेश है वो देश और दुनिया तक लेकर जाएं। और एक बार फिर रंगों के इस त्यौहार पर मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से देश के सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि होली उत्सव से आपसी भाईचारा और सम्मत को बढ़ाता है और रंगों का आता है, हम सबके जीवन में खुशियां लाए, देश को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना सहयोग दें, ये मैं कामना करता हूं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबर के यस बैंक को लेकर दिए गए बयान पर केंद्र राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि सबका पैसा सुरक्षित है और पिछले कल ही वित्त मंत्री सीतारमण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी देशवासियों को दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरबीआई ने अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी कार्यवाही शुरू की है जिससे बैंक के प्रमोटर को बाहर जाने की रोक लगी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि यस बैंक के द्वारा दिए गए लोन कांग्रेस शासनकाल के समय के ही थे, जिस कारण आज बैंकों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, कल भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े विस्तार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यस बैंक में जिनके बैंक खाते हैं उन सभी लोगों का पैसा सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आरबीआई ने एक रेगुलेटर के नाते अपनी भूमिका निभाई है, मॉरेटोरियम पीरियड तय किया है और उसके चलते निर्देश भी कुछ जारी किए हैं। ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, उसके प्रमोटर्स के बाहर जाने पर रोक लगी है, एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाया गया है और ये अपने आप में कदम दिखाते हैं कि एक रेगुलेटर के नाते आरबीआई ने अपनी ओर से पहल की है और सरकार इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। वित्त मंत्री जी लगातार आरबीआई से रिपोर्ट भी मांगी है और पिछले दो तीन वर्षों में जो आरबीआई में कदम उठाए गए उसकी भी विस्तृत जानकारी कल दी गई। इससे पहले भी 2014 से पहले जो अधिकतर लोन उस समय के अगर यस बैंक ने दिए थे तो अनिल अंबानी ग्रुप हो, एसआर हो, वोडाफोन हो, आईएलएफएस हो, डीएचएफएल हो, ऐसी कंपनियों को लोन दिए गए थे जिनकी हालत आप सबके सामने है। ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं।
जहां एक और आरबीआई से डिटेल रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मांगी है, तो दूसरी ओर देश के लोगों को आश्वस्त किया है कि जिनका बैंक खाता वहां पर है उनका पैसा सेफ है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खेल नीति को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जेल नीति पर कांग्रेस फिजूल की बयानबाजी कर रही है और अगर पिछले 70 सालों का खाता निकालकर देखा जाए तो अवश्य ही पता लग जाएगा कि कितने समय पर किस राजनीति का एकाधिकार रहा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की बात कही। लगता है पिछले 70 साल का खाता निकालकर देखना चाहिए और जो बुद्धिजीवी हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो देश में हो प्रदेश में हो, उनको एक इतिहास निकालना चाहिए कि खेलों के ऊपर कांग्रेस के नेता कितने वर्षों तक कौन कौन से खेल पर किन किन पदों पर रहे। क्या कांग्रेस पार्टी कभी इस पर व्हाइट पेपर लेकर आएगी? मैं मांग करता हूं कि श्वेत पत्र लाए, जानकारी लोगों को दे, प्रदेश में उनके कौन कौन नेता किन किन पदों पर किस किस समय पर रहे और कितने वर्षों तक रहे। और मैं आशा करता हूं ये जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी करके देगी और देगी, उसके बाद कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का पूरा अधिकार है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि होली उत्सव सुजानपुर पौराणिक होली मेला है और इसे मनाने के लिए हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को। एक ऐतिहासिक मेला जिसकी आज यहाँ से शुरुआत हुई है, ये हर वर्ष की तरह जो है वो इस होली को जो है वो मनाया जाता है और हम तो बचपन से ही इस मेले में आते जाते रहे हैं और यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र के लोगों का यहाँ पर संगम होगा, वहीं पर यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है वो प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई हैं जो कि इस देश की केंद्र की सरकार की योजनाएं, प्रदेश की सरकार की योजनाएं, उनके प्रति जो है वो जनता को जो है वो एक जन जागरण करना भी साथ में एक उद्देश्य रहता है। यहाँ से जो लोग प्रदेश की योजनाओं का जानकारी लेकर के जो है वो लाभ भी उठाएंगे। मैं इस मेले के लिए जो है आयोजन के लिए जहाँ जिला प्रशासन को और सभी को जो है वो क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम साहब ने ही इस मेले में आना था लेकिन अचानक उन्हें जो है वो बाहर जाना पड़ा, इस करके केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए हैं। मेरी भी जो है वो प्रदेश की ओर से जिम्मेवारी लगी है, हम इस मेले में आए हैं और लोगों को शुभकामनाएँ देने, और इसका जो समापन है वो भी प्रदेश से हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जी नहीं आए।